बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हो गया। 30 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। सुबह 4:30 पर कपाट खुलेंगे। टिहरी राज महल में घोषित हुई तारीख, राज पुरोहितों ने वैदिक रीति से निकाली कपाट खोलने की ये तारीख। इस वक्त की बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर देवभूमि उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं। टिहरी राज महल से तारीख का ऐलान हो गया। राज पुरोहितों ने वैदिक रीति से निकाली तारीख, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हुआ है। ये तारीख घोषित कर दी गई है। 30 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे 4:30 पर। प्रमोद नौटियाल जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। प्रमोद, तारीख का ऐलान हो गया, 30 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। जी, आज वैदिक रीति के अनुसार यहाँ पर नरेंद्र नगर के राजमहल में राज पुरोहितों ने ये तिथि की घोषणा की है कि 30 अप्रैल को सुबह 4:30 पर भगवान बद्रीनारायण के कपाट खोले जाएंगे। इसी के साथ आज से ही चार धाम यात्रा का भी आगाज हो गया, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज से ही पंडा समाज हो चाहे प्रशासन हो, आज से तैयारियों में जुट गए और 30 अप्रैल को कपाट खोले जाएंगे। प्रमोद, किस लिहाज से चारधाम यात्रा की शुरुआत और बद्रीनाथ केदारनाथ को खासकर देखा जाए, यहाँ सुबह 4:30 पर कपाट खुलेंगे और राजमहल से ये घोषित भी हो गया, इंतजाम कैसे हैं और क्या अलग होने वाला है इस बार श्रद्धालुओं के लिए? इस बार जो श्रद्धालुओं के लिए है कि जो यहाँ पर सड़कों का काम चल रहा था वो लगभग पूरा हो गया है। अब कुछ जगह अगर छोड़ दी जाए तो सड़कें इस बार काफी सही मिलेंगी श्रद्धालुओं को, आने वाले श्रद्धालुओं को, कि पहले सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हो पाया था तो इसलिए काफी दिक्कतें होती थी, लेकिन इस बार प्रशासन ने मुख्य सड़कों पर ध्यान दिया है और जो यात्री आएंगे उनके लिए धर्मशाला का भी इंतजाम अच्छे ढंग से किया जा रहा है। कुल मिलाकर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं इस बार मिलेंगी। नजर बनाए रखिएगा प्रमोद, फिर आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।